सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में स्वागत है। आज हमारे पास में ये ग्लास की समस्या है, इसमें कि ग्लास साफ क्यों नहीं हो पाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों हम। ये हमारे पास कई भाई का कमेंट्स आ रहा था कि इस पर ग्लास के ऊपर कोई वीडियो बनाए, क्यों वाइपर साफ नहीं कर पाते हैं, तो किस वजह से साफ नहीं कर पाते। और याद रहे दोस्तों, अगर आपके ग्लास वाइपर साफ नहीं कर रहा है और इस तरह के स्क्रैचेस बन रहे हैं, तो ये आपके ग्लास को भी ख़राब कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई है दोस्तों, ताकि हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा सके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये ग्लास अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे दोस्तों। तो ये वाइपर किस प्रकार से चेंज होते हैं, तो रूल्स नंबर पहला है कि ये वाइपर क्यों ख़राब होते हैं। तो ये इस कारण ख़राब होते हैं, हम क्या करते हैं, गाड़ी खड़ी करके एक दो दिन या होल्ड की करते हैं, तो उसके दौरान हवा चलती है तो उसमें मिट्टी लग जाती है ग्लास में, और हम डायरेक्ट वाइपर इसको ऑन कर देते हैं, तो वाइपर डस्ट के कारण वाइपर ब्लेडें ख़राब होती है दोस्तों। याद रहे दोस्तों, डस्ट के कारण ही वाइपर ब्लेडें ख़राब होती है। तो हम क्या करते हैं, वाइपर ऑन कर देते हैं तो ग्लास तो क्लियर हो जाता है, बाकी स्क्रैचेस बन जाते हैं, जिससे ग्लास भी ख़राब हो जाता है, वाइपर ब्लेड भी ख़राब हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये पानी हम डाल रहे हैं दोस्तों, तो उसमें वाइपर अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ग्लास अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपको बारिश में भी समस्या आ सकती है दोस्तों। तो हम इसी टॉपिक पर ये वीडियो बनाई है दोस्तों। तो हम ये देखें, ग्लास पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम ये दो ब्लेड चेंज करेंगे और दो ये शीशे डालेंगे जो मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है ये दोस्तों। तो ये मिंडा के हम इसमें वाइपर ब्लेड ऐड करेंगे दोस्तों। तो किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉक आता है, आप वीडियो में नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये लॉक है, तो इसको हम पुश करेंगे तो, और इसको वाइपर ब्लेड को नीचे की साइड में पुश करेंगे तो ये देखिए इसने जगह छोड़ दी है। और कई बार क्या होता है, ये जाम होने के कारण थोड़ा टाइट निकलता है, तो आप इसको नीचे की साइड में प्रेस करें दोस्तों, तो ये अच्छे से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये रिमूव हो रहा है और इसको चेंज करना बहुत ही इजी है दोस्तों। याद रहे दोस्तों, अगर आपने ग्लास नया डलाया है तो उसके बाद में वाइपर ब्लेड भी आपको नई ऐड करानी है दोस्तों, नहीं तो क्या होता है, वाइपर ब्लेडें ख़राब होती है, उसके कारण वापस ग्लास ख़राब हो जाता है, फिर आपको रात को चलाने में गाड़ी में दिक्कत आ सकती है। ये देखिए, इस प्रकार से ये लॉक था जो हमने इसको पुश किया और ये वाइपर ब्लेडें चेंज हो गई दोस्तों। तो हम इसका ये वाइपर ब्लेडें चेंज करेंगे, इसकी देखिए दोस्तों MRP 249 रुपये हैं दोस्तों एक वाइपर ब्लेड की। तो हम इसको चेंज कर लेंगे दोस्तों। तो इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको बाहर निकाल ली है, अब इसको किस प्रकार से ऐड करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये लॉक इसके अंदर जाएगा और इसको ऊपर की साइड में हम पुश कर देंगे दोस्तों। तो ये देखिए, डाली और इसको ऊपर की साइड में पुश कर दिया, तो ये लॉक हो चुका है दोस्तों। तो ये वाइपर ब्लेड चेंज हो चुकी है और इसका ये कवर जरूर हटाना ना भूले दोस्तों। अब दूसरा वाला है, तो उसको भी हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये लॉक आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, अब इसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे दोस्तों, ये वाला लॉक इसको नीचे की साइड से पुश करके इसको वाइपर को नीचे दबा लेंगे, तो ये हमने नीचे कर लिया है और ये वाइपर ब्लेड निकल चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको रिमूव कर लिया है, ये वाला लॉक था इसका, तो हम इसमें नया ऐड करेंगे दोस्तों। तो ये नया है दोस्तों, तो अब देखिए ये लॉक है, इसके अंदर हम डाल के इसको ऊपर की साइड में पुश कर देंगे दोस्तों। तो ये पुश करने के बाद में इसको वाइपर को नीचे कर देंगे, ये स्टेप पहला स्टेप पूरा कंप्लीट हो चुका है रूल्स। अब दूसरा रूल्स ये होता है, याद रहे हमेशा,
कि गाड़ी के अंदर जो वाइपर में होता है पानी, उसके अंदर क्या डालना चाहिए ताकि ग्लास हमारा क्लियर हो जाए। कई भाई क्या करते हैं, हमारा शैम्पू या सर्फ ऐड कर देते हैं तो उसको वो क्लियर नहीं कर पाता है दोस्तों, क्योंकि शैम्पू और सर्फ में ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ ज़्यादा होती है, तो उसके कारण वो साफ नहीं कर पाता है। तो हम ये मारुति के जेन्युइन पार्ट ही एक क्लेंजर है जिसको डाल के हम क्लियर करेंगे, जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों, जो किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया जाता है कि इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, वो भी हम वीडियो में दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप 2 लीटर पानी ऐड कर लें इसके अंदर, और फिर ये 2 सेशे ऐड कर लें आप, ताकि ये इसका अच्छे से वर्क कर सके। याद रहे दोस्तों, ज़्यादा पानी ऐड ना करें, और अगर आपके ज़्यादा बड़ी बॉटल है दूसरी गाड़ी में तो आप इसके 3 शीशे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। और ये अगर नॉर्मली में रहेगा तो आपका ग्लास भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी दोस्तों। तो देखिए, हमने इसमें ये 2 शीशे ऐड कर लिए हैं, इसका ग्रीन कलर का पानी आता है दोस्तों, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये ग्लास को अच्छे से क्लियर कर पाता है। हम आपको लाइव दिखाएंगे दोस्तों किस प्रकार से ये ग्लास में अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, वो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, ये देखिए दोस्तों, ग्रीन कलर का पानी था इसके अंदर, जो शैशे बोल सकते हैं हम इसमें। अब इसको हम बॉनेट को डाउन कर लेंगे दोस्तों, अब इसको वाइपर को ऑन करेंगे, लाइव टेस्ट हो रहा है दोस्तों। तो हमने ये चाबी ऑन कर ली है दोस्तों, और ये वाइपर ऑन किए हैं, तो ये देखिए ये पानी आना स्टार्ट हो गया है, और देखिए ग्लास कितने अच्छी तरीके से साफ हो रहे हैं दोस्तों, जो पहले नहीं हो पा रहे थे। ये देखिए, हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितने अच्छी तरीके से वाइपर ब्लेड काम कर रही है और पानी अच्छे से सोख रही है। अगर वाइपर ब्लेड अच्छे से काम नहीं करेगी तो आपको बारिश में चलाने से गाड़ी में दिक्कत आ सकती है दोस्तों, तो वाइपर ब्लेड हमेशा नहीं रखें, नहीं होने के कारण आपका ग्लास कभी भी दिक्कत नहीं दे पाएगा और ना ही कभी ख़राब होगा दोस्तों। और ग्लास गाड़ी पड़ी है और उस पर डस्ट लगी हुई है तो आप सबसे पहले उसको कपड़े से झटक ले, फिर उसको वाइपर ऑन करके वाइपर ब्लेड से साफ़ करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है दोस्तों वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले दोस्तों, और लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर किसी बाइक को किसी गाड़ी के अकॉर्डिंग वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो कई बाइक अब हमारे पे आ रहे था कमेंट्स, तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से पहले थी और अब ये इस प्रकार से हो गई है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो।